से चलता आ रहा है जद्दी पुश्ती मजदूर। जद्दी पुश्ती मजदूरों का खानदान एक चलता आ रहा है, उसमें एक लड़का या लड़की एक ऐसी आई कि वो विजन दे रही है, एक अलग अलग दुनिया में जाएगा वो विजन, और जो मजदूरों का तबका चलता आ रहा है वो कट हो जाएगा, 10% रह जाएंगे, और वो भी वो ऐसे बंदे होंगे जो आपसे मुनाफ़त रखते हैं, जो आपको किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचना पहुंच के देखना कि का बच्चे का किसी मर्द का रिजल्ट आ गया, पहली किस्त रिजल्ट की सामने आई, आपने वो अपने आपके रिश्तेदारों को दिखाई, तो रिश्तेदार 15% आपके साथ हो जाएंगे कि यार इसमें फ़ायदा है। हम आपकी ज़िंदगी में एक विजन होना, एक मकसद हो कि मैंने इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कोई वेबसाइट डेवलपर बनना है, या ऐप डेवलपर बनना है, या फिर कुछ कोई भी आपका पैशन हो वो उस रिलेटेड आपने उस पैशन को प्रोफेशन में बदलना है, वो विजन है। लेकिन आपका वो विजन जब आप रिश्तेदारों से और अपने माँ बाप से अपने ख़ानदान से शेयर करते हैं तो उसकी कोई मिजाक, क्योंकि आपके रिश्तेदारों में हकीकत सी बात है, आपके रिश्तेदारों में वो एग्जांपल सेट नहीं होती कि आप उस ऐसे उंगली से पॉइंट करके अपने रिश्तेदारों को और अपने माँ बाप को बोल सकें कि भाई मैंने यार इस जैसा बनना है, एग्जाम्पल सेट नहीं होती। अब वो एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं कि आपकी आपके ऊपर कोई जो आपके रिश्तेदारों में आने वाले बच्चे ऐसी उंगली से पॉइंट करके बोलें कि मम्मा मामू मामू चाचा दादी दादा नाना नानी यार मैंने इस जैसा बनना है, वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप, तो उसमें फिर आती है मुश्किलात, और मुश्किलात ऐसे आती हैं कि बंदों को तोड़ के रख देती हैं। जब आप अपना विजन खुद लेके चलते हैं मुस्तकबिल में कि यार मैंने ये करना है, और उसमें मुश्किल क्या आती है कि हर बंदा आपको उठ के पॉइंट कर रहा होगा कि यार ये मकसद है ये लेके चलो, इसमें स्कोप है ये लेके चलो, आप इसमें पैसा कमा लोगे, फिर भी ऐसे मुश्किल आती है। और फिर कुछ ऐसे बंदे भी मिलते हैं जिनसे आप अपना विजन शेयर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सेट नहीं होती, विजन शेयर करते हैं सिर्फ बातों के जरिए, फिर वो बंदा आपको जजमेंट पास करता है, और फिर आखिर में ये बोलता है जब आप अपनी पूरी राम कहानी सुना देते हैं यार ये मेरा विजन है ये मैंने करना है, वो सुनने के बाद क्या बोलता है अगर वो आपसे थोड़ा सा हाई है, वो बोलता है कि ये मकसद है भाई, थाली में देता है बातों से, थाली में देता है ये मकसद है ये लेके चलो, इसमें स्कोप है, इसमें तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, ये विजन लेके चलो। आप सोचें कि पूरी बात सुनाने के बाद वो बंदा सिर्फ ये दे रहा है आपको कि ये मेरा मकसद है ये लेके चलो, क्यों? क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा अच्छा कमा रहा है, आप उससे लो कमा रहे हैं, वो आपसे थोड़ा लेवल में थोड़ा हाई है, वो इसलिए अपना विजन दे रहा है, और फिर उसी बंदे का विजन जो आपसे थोड़ा सा हाई हो, उसी बंदे का विजन आपके ख़ानदान को, आपके माँ बाप को, आपके दोस्तों को सारा समझ आ जाएगा, आपका विजन नहीं समझ आएगा क्योंकि एग्जाम्पल सेट नहीं होती। और कोई मिल भी जाए आपको, कोई सोशल मीडिया में एग्जाम्पल सेट है और उस जैसे पॉइंट करके आप बोलें, या उसकी वीडियो आप स्क्रीन पे चला के रिश्तेदारों को या फिर अपने माँ बाप को दिखाएं यार ये बनना है, तो फिर उनका आगे से रिएक्शन होता है कि ये क्या है यार, ये तो ऐसे ख्वाब है, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी बर्बाद होगी, तुम ये मकसद ले कर चलो और ये आपको फ़ायदा देगा। अब जब आपका पूरा ख़ानदान एक सदी से चलता आ रहा है, जद्दी पुश्ती मजदूरों का ख़ानदान एक चलता आ रहा है, उसमें एक लड़का या लड़की एक ऐसी आई कि वो विजन दे रही है, एक अलग अलग दुनिया में जाएगा वो विजन, और जो मजदूरों का तबका चलता आ रहा है वो कट हो जाएगा, तो वो विजन समझ नहीं आएगा क्योंकि एजुकेशन होती नहीं है और दूसरा इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो विजन एक्सेप्ट कर सके, अगर आप कर भी जाएं तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने अपना विजन सेलेक्ट किया, इन फ्यूचर आप ये बनना चाहते हैं, वो आपने प्रिपेयर किया, तैयारी की उसकी, और आपने वो खड़ा कर दिया बिल्डिंग, लेकिन रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, जब आपकी पहली किस्त आएगी ना कि रिजल्ट आ गया है भाई, मुंडे का, लड़के का, बच्चे का, किसी मर्द का रिजल्ट आ गया, पहली किस्त रिजल्ट की सामने आई, आपने वो अपने आपके रिश्तेदारों को दिखाई, तो रिश्तेदार 15% आपके साथ हो जाएंगे कि यार इसमें फ़ायदा है, हम भी अपने बच्चों को ये बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। पहली किस्त आई, दूसरी किस्त आई, तो आधे से ज़्यादा आधे रिश्तेदार समझ लें साथ हो जाते हैं, 30% रिश्तेदार, 50% रिश्तेदार आपके साथ हो जाते हैं, यार ये बंदा बच्चा ये लड़का कर गया अब ये कुछ कर जाएगा, और मैंने भी अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ देना है ताकि इसका मुस्तकबिल रोशन हो सके। ठीक है, जब आपकी आपके विजन की मकसद की अचीव करके चौथी जब किस्त आती है ना, तो यकीन जाने 90% आवाम में रिश्तेदार माँ बाप नहीं आएंगे यार, वो तो दिल के बड़े करीब होते हैं, रिश्तेदार माँ बाप दोस्त यार हमसाए इर्द गिर्द पड़ोस आस पड़ोस सब
90% में सारे वो शामिल हो, 10% रह जाएंगे और वो भी वो ऐसे बंदे होंगे जो आपसे मुनाफ़त रखते हैं, जो आपको किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचना पहुंच के देखना नहीं चाहते कि ये पहुंचे। सिर्फ 10% वो बचेंगे, बाकी 90% आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। उस अरसे में उस गोल तक पहुंचने में हो सकता है आपको 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, शादीशुदा होने के बाद भी अगर वो विजन फॉलो करते हैं हो सकता है तब जाके वो बहुत अरसा लगेगा आप। लेकिन मैंने एक किसी बंदे से एक ये बात सुनी थी कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता, आपका आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। इस उम्मीद पे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा भी विजन है, बनेगा वो, जब बनेगा 90% रिश्तेदार मेरे साथ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भी उठता पॉइंट करके कहता है ये मकसद लेके चलो, इसमें फ़ायदा है, इसमें बचत है, मुस्तकबिल रोशन है आपका, लेकिन वो मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरा अपना विजन है, अलग विजन करूँगा मैं।